तो आइए आज जो है सिंथेसिस का जो है पार्टिसिपल जो कि आपको पढ़ाया जा चुका है इसका जो है एक्सरसाइज देखते हैं। तो कल हम आप लोगों को बताए थे कि ये 25 एक्सरसाइज जो दिया गया था इसको करके लाने के लिए, तो जो लोग करके लाए हो मिला लो और जो लोग नहीं कर पाए हो तो तत्काल जो है लिख लो आप लोग। तो चलिए देखते हैं पहला एक्सरसाइज है। देखिए इसमें से काफ़ी एक्सरसाइज बोर्ड परीक्षा में सब पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और क्योंकि ग्रामर एक्सरसाइज से ही आता है इसलिए आपको एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहला एक्सरसाइज है। देखिए कहा क्या जा रहा है, कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग ए पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके निम्नलिखित वाक्य को सिंपल सेंटेंस बनाओ। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें फाइनाइट वर्ब केवल एक होती है, मुख्य क्रिया केवल एक होती है। फाइनाइट वर्ब मतलब मुख्य क्रिया जिसको पूर्ण क्रिया कहते हैं, क्लियर, या समापिका क्रिया कहते हैं, वो केवल एक होनी चाहिए। अब देखिए दो वाक्य को मिला के आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो होता क्या है कि दो वाक्य रहेंगे तो दो मुख्य क्रिया रहेगी ना, तो एक ही मुख्य क्रिया आपको लिखना है, तो एक मुख्य क्रिया के अलावा जो अन्य क्रियाएं बच जाएंगी तो उसको हटाना पड़ता है हमको। हटाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, उसको हम पार्टिसिपल में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, पार्टिसिपल। वैसे पार्टिसिपल जीरंड इन्फिनिटू इन सभी में बदला जाता है, फिलहाल अभी आप पार्टिसिपल का प्रयोग करके अन्य मुख्य क्रिया को हटाने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं पार्टिसिपल क्या होता है, कैसे उसको बदला जाता है। तो अब इसलिए पार्टिसिपल बता दिए, थोड़ा सा हल्का सा पहले जान लो पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल जो है तीन प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, तो कल बताया गया था तो बता दे रहे हैं फिर आज एक्सरसाइज हल करने से पहले आप लोगों को। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आता है, ठीक ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आता है और ये एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस रहेगा तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाता है। हाँ, इसके हिंदी शब्द के अंत में अक्सर वाक्य को जोड़ोगे तो कर आएगा, कर, जैसे सांप देख कर वह भाग गया, शेर देख कर वह डर गया, क्लियर। इस तरह से कुछ भी किताब खोल कर वह पढ़ने लगा तो कर आता, खोल कर यानी ओपनिंग, देख कर सींग, क्लियर, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अब पास्ट पार्टिसिपल रहता है तो उसमें जो है क्या आता है कि हुआ हुए हुई आता है, जैसे हुआ हुए हुई मतलब जैसे खोया हुआ पर्स, लॉस्ट पर्स, ठीक ना, घायल हुआ आदमी, वुंडेड मैन, तो पास्ट पार्टिसिपल इसको कहते हैं, क्लियर, पास्ट पार्टिसिपल, तो उसमें हुआ हुए हुई आता है, ठीक है, जख्मी हुआ आदमी, ठीक है, तो हुआ हुई हुए। एक बात यह भी ध्यान देना, प्रेजेंट में भी हुआ हुए हुई आ सकता है लेकिन उसमें इसमें अंतर क्या, उसमें ता हुआ ती हुई आता है, उसके पहले ता जरूर रह गया। जैसे मैंने एक सोता हुआ आदमी देखा, आई सा स्लीपिंग मैन, ठीक है, आई सा बेगिंग मैन, मैं एक भीख मांगता हुआ आदमी देखा, क्लियर, स्मोकिंग मैन, सिगरेट पीता हुआ आदमी देखा, इस तरह से कुछ भी आ सकता है, ता हुआ आएगा, ता रहेगा तो जान लीजिए प्रेजेंट में है, जारी है, लेकिन ता नहीं रहेगा हुआ क्यों लाएगा, जैसे घायल हुआ आदमी देखा, सो, ठीक है ना, जला हुआ बच्चा देखा, क्लियर, जला हुआ घर देखा, तो हमें ता नहीं आएगा, मतलब जला हुआ बीत गया है, लेकिन ता हुआ रहेगा तो कार्य जारी है यानी प्रेजेंट में है, क्लियर, तो इस तरह से कन्फ्यूज मत होना। अब उसके अलावा देखो, यानी कि ता हुआ है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, या कर है तब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, केवल हुआ है तो पास्ट पार्टिसिपल, क्लियर। अब पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता क्या है, उसको नाउन से पहले लिख देते हैं, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो उसको शुरुआत में लिखेंगे, ठीक। अब देखिए एक और है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हैविंग, ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे एक्टिव वॉइस में, अगर पैसिव वॉइस रहेगा तो हैविंग के साथ हम क्या करते हैं, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, इस तरह से हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। हाँ, इतना ध्यान देना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, इन दोनों में अक्सर होता क्या, दो कार्यों का वर्णन रहेगा, कि कितने कार्य, क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, दो कार्यों का वर्णन रहेगा। अब कैसे जानोगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाए आईएनजी का प्रयोग करके, कैसे जानोगे हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बनाए परफेक्ट पार्टिसिपल, तो उसका एक लॉजिक ये है, आपको रूल बताया गया था कि अगर एक कार्य के तुरंत बाद, एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे हम पहले कार्य की अंग्रेजी, ठीक, लेकिन एक कार्य, जैसे एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य, जैसे वह सांप देखकर वह डर गया, शेर देखकर वह भाग गया, ठीक है, तुरंत भागा कि कहीं खदेड़ न ले, ठीक है, सांप देखकर भागा कहीं झंझट ना हो जाए, ठीक ना, तो वहाँ से खिसक जाए, भाग जाए, लेकिन किताब खोल कर वह पढ़ने लगा, तुरंत पढ़ने लगा, जूते निकाल कर वह मंदिर में प्रवेश किया, क्लियर। लेकिन यहाँ क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल में अंतराल पाया जाता है, पहले कार्य को करने में समय लगता है, तुरंत नहीं कोई काम होता, समय लगेगा, उसके बाद ही पूरा फिनिश होने के बाद ही दूसरा काम किया जाएगा। जैसे हम कहते हैं पत्र लिख करके वह डाक में डाल दिया, पत्र लिख करके परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या आता है, करके आता है परफेक्ट पार्टिसिपल में, ठीक है। जैसे
पत्र लिख करके, पत्र लिखेगा तो कुछ समय लगेगा, पत्र लिख करके वह डाक में डाल दिया, क्लियर, थोड़ी कि आधा लिखा आधा डाक में डाल दिया। भोजन करके वह विद्यालय गया, भोजन करेगा कुछ समय लगेगा, थोड़ी कि भोजन ले लिया खाता वो विद्यालय चला जाएगा। तो इस तरह से भोजन करके वह विद्यालय गया, पत्र लिख करके, स्नान करके माता जी ने खाना बनाया, स्नान करेंगे कुछ समय लगेगा, क्लियर, उसके बाद ही खाना बनाएंगे, क्लियर, दोनों काम तो साथ हो नहीं पाएगा। इस तरह से गाँव में मकान बना करके, ठीक है, वह जो है रहने लगा, तो मकान बनाएगा घर लगे मतलब समय लगेगा, या शहर में मकान बना करके वह गांव छोड़ दिया, तो इस तरह से समय लगता है, क्लियर। तो जब समय आपको क्लियर होगी, हाँ समय लगेगा भाई, तो परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगा लगाओ, नहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाओ, क्लियर। ये सब बातें हैं, अब चलिए देखते हैं एक्सरसाइज हल करते हैं, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक। तो देखते हैं पहली एक्सरसाइज, द टाइगर वाज हंग्री, चीता कैसा था, टाइगर में चीता या बाघ, बाघ क्या था, भूखा था। ही किल्ड ए गोट, वह एक बकरी को मार दिया। तो आप इसको हम यही जोड़ेंगे तो कहेंगे भूखा होकर या भूखा होने के नाते, ठीक है, चीते ने क्या किया, बकरी को मार दिया। तो यहाँ देखिए वाज हंग्री है ना, तो एक बात ये भी इज एम आर वा, आज वाजवर रहेगा, इज एम आर वाजवर, तो उसको हम पार्टिसिपल से जब बनाते हैं तो उसके स्थान पर बींग हो जाता है, क्योंकि बी का मतलब होता है इज एम आर, क्लियर, सेकंड फॉर्म वाजवर होता है, थर्ड फॉर्म बींग, तो वाज का पार्टिसिपल क्या होगा, बींग। तो जिसको पार्टिसिपल बदलोगे उसमें सब्जेक्ट दोगे नहीं, तो इसलिए आप वाज को क्या कर दो, बींग, इसका आंसर हो जाएगा बींग हंग्री। द टाइगर यहाँ से हटा दो, बींग उसके बाद हंग्री कर दो, कामा कर दो, बींग हंग्री, वाज की जगह बींग कर दो, हंग्री कर दो, हंग्री के बाद कामा कर दो। अगला जो ही है ना, ही की जगह आप लिख दो द टाइगर, क्या लिख दोगे, द टाइगर, ठीक ना, बींग हंग्री कामा द टाइगर किल्ड ए गोट, भूखा होकर, ठीक है, चीते ने क्या किया, बकरी को मार दिया। भूखा होकर मतलब भूखा होने के नाते या भूखा होने के कारण चीते ने बकरी को मार दिया। अब यहाँ टाइगर है, वहाँ ही है, तो ही टाइगर के लिए लगा है, जिसमें हम पार्टिसिपल बदलेंगे उसमें सब्जेक्ट देते नहीं, तो इसलिए वहाँ सब्जेक्ट हम दे देंगे और ही नहीं लिखेंगे, पहली बार नाउन लिखेंगे, टाइगर के लिए आया। अब समझ में आया, चलिए दूसरा देखते हैं। ही हैज फेल्ड, ही हर्ड द न्यूज, ही फेंटेड, वह फेल हो गया, वह समाचार सुना, वह मूर्छित हो गया। तो इसको जोड़ोगे तो कैसे कहोगे, अब ठीक है, अपने असफलता का समाचार सुनने पर वह मूर्छित हो गया, फेल माने असफल होना, वह अपनी असफलता का समाचार सुनने पर वह क्या हो गया, मूर्छित हो गया। तो अपनी असफलता का समाचार सुनकर वह मूर्छित हो गया, तो ऐसे कर दो। हियरिंग, हियरिंग माने सुनकर, पार्टिसिपल्स बना रहे हो हियरिंग, अगर जीरंड और से बनाओगे तो आन हियरिंग भी हो जाएगा, वो भी सही रहेगा, क्लियर, सुनने पर तब हो जाएगा, क्लियर, यहाँ पार्टिसिपल से बना तो जीरण कोई की जरूरत नहीं। हियरिंग द न्यूज, ऐसे कर दो, हियरिंग द न्यूज, हियर का हियरिंग कर दो, जो द हियर हर्ड द न्यूज, ही हर्ड द न्यूज है तो हियरिंग द न्यूज उसको बना दो, उसके बाद आफ लगा दो। अब यहाँ ही हैज फेल्ड में हीज का हीज बना दो, हीज फेल का नाउन बना दोगे तो फेलर हो जाएगा, एफ ए आई एल यू आर ई, हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलर, हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलर, कामा उसके बाद जो है लिख दो ही फेंटेड, लास्ट वाले में से ही फेंटेड, हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलर ही फेंटेड, अपनी असफलता का समाचार सुनने पर वह मूर्छित हो गया, इसका अर्थ ये होगा फेंटेड माने मूर्छित, हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलर, क्लियर। अगर जरूरत पड़ती है तो हम फेल का फेलर बना देते हैं, नाउन ही का हिज बना देते हैं, ये सब भी अर्थ के अनुसार हम करते हैं, क्लियर। हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलर कामा ही फेंटेड, अब इसमें मेन वर्ब एक ही रह गया, एक को हम नाउन बना दिए, एक को जो है पार्टिसिपल बदल दिए, ठीक ना। चलिए देखते हैं तीसरा, तीसरा हमारा है द पीपुल सा द फ्लेम्स, लोगों ने फ्लेम्स माने मसाल देखा, दे रन टुवार्ड्स द बर्निंग हाउस, वे जलते हुए घर की तरफ दौड़ पड़े। तो अब इसमें करना क्या है, यही कहोगे मसाल देखकर लोग जलते हुए घर की तरफ दौड़े, पहले हिंदी में जोड़ लिया करो, तब जैसे आए उसकी इंग्लिश बना दिया करो, ठीक। सा का करो आप सिंग, क्या करोगे, सिंग पीपल हटा दो शुरुआत से, क्योंकि जिसको हम पार्टिसिपल बदलते हैं उसका सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, इतना ध्यान दो, ग्रामर का रूल है, लिखाए थे, ठीक ना। सिंग द फ्लेम्स कामा कर दो, अब यहाँ दे ना लिखो, क्योंकि प्रोनाउन पहली बार नहीं लिखा जाता, अगर पहले वाक्य में नाउन आया है तो उसकी जगह नाउन आ जाता है, तो वो द पीपल ला के यहाँ कर दो। सिंग द फ्लेम्स, अब दे काट के क्या करोगे, यहाँ द पीपल करोगे, सिंग द फ्लेम्स द पीपल रैन टुवार्ड्स द बर्निंग हाउस, अब इसको लिख दो, सींग द फ्लेम्स कामा द पीपुल रैन टुवार्ड्स द बर्निंग हाउस। चलिए चौथा देखते हैं,
चौथा है ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, वह अपना काम पूरा किया वह घर गया। तो इसमें सीधे सीधे कहोगे अपना काम पूरा करके वह घर गया। काम पूरा करेगा तो समय लगेगा, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पूरा करके ही जाएगा, क्लियर। इसलिए आप हैविंग लगा दो, शुरुआत में लगा दो हैविंग, उसके बाद फिनिश्ड का थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड ही होता है तो हो जाएगा हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, फिर कामा कर दो, फिर ही वेंट होम अगला वाक्य सेम टू सेम वैसे ही लिख दो, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, फिनिश के पहले हैविंग कर दो, ही की जगह हैविंग कर दो, उसके बाद सब कुछ वैसे लिखते जाओ, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, वर्क के बाद कामा कर दो, अगला वाक्य भी लिख दो, एच छोटे से कर देना ही वेंट होम में, क्लियर, क्योंकि कामा के बाद छोटा हो जाएगा, एक ही वाक्य है ना इसलिए। अगला देखिए, आई वॉज हंग्री आई टुक माई फूड, मैं भूखा था मैं भोजन किया, तो अब यहाँ आई वाज हटा के बींग कर दो, बींग हंग्री, फिर कामा करके अगला वाक्य ज्यों का त्यों लिख दो, बींग हंग्री आई टुक माई फूड, भूखा होने के नाते मैं अपना भोजन किया, क्लियर। अगला देखते हैं, छठवां देखते हैं, आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा, ही वाज ब्लाइंड, वह अंधा था, तो ही वाज कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड, तो इसका आंसर सुनो, तो इसको ऐसे कर दो, आई सा ए ब्लाइंड मैन, क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव काम कर रहा है, ब्लाइंड तो नाउन से पहले आ जाएगा, आप हिंदी में कहोगे मैं अपने हाथ में एक लैंप लिए हुए अंधे आदमी को देखा, हिंदी में ऐसे कहोगे तो उसी का अंग्रेजी लिखना, आई सा, यहाँ ब्लाइंड उठा के मैन से पहले कहो तो आई सा ए ब्लाइंड मैन, आई सा ए ब्लाइंड मैन, उसके बाद जो है आप जो है यहाँ से आ जाओ, तीसरे वाक्य में कैरिंग, ब्लाइंड मैन के बाद कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड, इसे इससे पूरा जोड़ते चले जाओ, कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड, ठीक ना, तो आई सा ए ब्लाइंड मैन, मैन के बाद जो है आप चाहे तो यहाँ काम भी लगा सकते हो थोड़ा सा रुक के कहने के लिए, उसके बाद कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड, क्लियर, आई सा ए ब्लाइंड मैन कैरिंग ए लैम्प इन हिज हैंड, मैं अपने हाथ में लैम्प लिए हुए एक ब्लाइंड आदमी को देखा, अंधे आदमी को देखा, थोड़े में हो गया, मैं अपने हाथ में एक लैंप ले जाते हुए एक अंधे आदमी को देखा, तो पार्टिसिपल हो गया, कैरिंग पार्टिसिपल में बदल गया, क्लियर। अगला देखते हैं, महेश भूपति वाज डिफीटेड बाय लिएंडर फिश, ही वाज मच डिसअपॉइंटेड, तो ऐसा करो इसमें महेश भूपति को हटा दो, वाज की जगह बींग कर दो, क्योंकि वाज को बींग में बदल दिया था पार्टिसिपल में, बींग के साथ ये थर्ड फॉर्म है, तो बींग प्लस थर्ड फॉर्म पैसु वाज में होता ही है प्रेजेंट पार्टिसिपल के, तो बताए थे आपको, तो बींग डिफीटेड बाय लिएंडर फिश, फिर कामा कर दो, अब यहाँ ही ना लिखो, ही की जगह लिख दो महेश भूपति, नाम लिख दो महेश भूपति, नाम लिख दो ही की जगह, उसके बाद वाज मच डिसअपॉइंटेड, सब कुछ वैसे ही रहेगा, तो हो जाएगा बींग डिफीटेड बाय लिएंडर फिश, महेश भूपति वाज मच डिसअपॉइंटेड, क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं, आठवां देखते हैं, आई सा ए मैन ही वाज स्मोकिंग ए सिगरेट, तो इसमें कुछ देखिए, आप मैन ही इसमें ऑब्जेक्ट है, ग्रामर का नियम, अगर पार्टिसिपल में पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे में सब्जेक्ट है तो करना क्या होता है, पहले वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, उसके बाद दूसरे वाक्य से सब्जेक्ट वर्ब ना लिख के हम केवल मतलब पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, क्लियर, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, आई सा ए मैन स्मोकिंग ए सिगरेट, आपका आंसर कंप्लीट हो गया, आई सा ए मैन स्मोकिंग ए सिगरेट, मैं सिगरेट पीता हुआ आदमी देखा, इसका अर्थ हो जाएगा, तो यहाँ मैन के बाद आप चाहे तो कामा भी लगा सकते हो, ठीक है, थोड़ा रुक के कहने के लिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मत भी लगाओ, आई सा ए मैन स्मोकिंग ए सिगरेट। नवा वाक्य, सी वेंट टू द गार्डन, वह बगीचे गई, सी प्लक्ड फ्लावर्स, वह फूल तोड़ी, तो इसमें कह दो गोइंग टू द गार्डन, क्लियर, क्या कहोगे, गोइंग टू द गार्डन, बगीचे जाकर, कामा, सी प्लक्ड फ्लावर, सी प्लक्ड फ्लावर, सब कुछ वही रहेगा, गोइंग टू द गार्डन, गार्डन के बाद जो है कामा कर दो, सी प्लक्ड फ्लावर्स, बगीचे जाकर वह फूल तोड़े, मतलब बगीचे गए फिर जाकर तुरंत क्या कि उसने फूल तोड़ लिया। अगला देखिए, द थीप सा द पुलिस मैन ही रैन अवे, ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, पुलिस ने ऐसे करो, सींग कर दो इसमें भी, सींग द पुलिस मैन, पुलिस मैन को देखकर, सींग द पुलिस मैन, पुलिस मैन को देखकर, कामा करके, ही रैन अवे, सब कुछ वैसे जोड़ दो, सींग द पुलिस मैन, द थीप्स आ की जगह सिंग कर दो,
अब उसके बाद देखिए ही के जगह फिर लिख देना द थीप, क्या लिख दोगे ही जगह द थीप। सेइंग द पुलिसमैन, उसके बाद क्या करोगे द थीप, उसके बाद रैन अवे, ठीक है इतना करना है आपको, हो गया। सेइंग द पुलिसमैन, उसके बाद कामा करो ही की जगह फिर लिख देना द थीप, बस इतना करना है, उसके बाद रैन अवे रहने दो। सेइंग द पुलिसमैन द थीप रैन अवे, चोर पुलिस देखकर या पुलिस वाले आदमी को देखकर चोर भाग गए। अगला वाक्य देखते हैं, अगला वाक्य हमारा है द सर्वेंट स्विफ्ट द रूम, ठीक है ना, नौकर ने क्या किया कमरा साफ किया। तो यहाँ द सर्वेंट हटा दो, पहले शुरुआत में लिख दो हैविंग, हैविंग स्विफ्ट द रूम कामा अभी की जगह द सर्वेंट लिख दो। कमरा साफ करके सर्वेंट क्या किया, वेंट अवे चला गया। साफ करेगा कमरा तो टाइम लगेगा, उसके बाद ही जाएगा, क्लियर, सीधी सी बात है, अंतराल पाया जा रहा। कमरा साफ करके नौकर चला गया, पूरा काम हो रहा है तो हैविंग लगा दो, हैविंग स्विफ्ट द रूम कामा द सर्वेंट वेंट अवे। चलिए बारहवा देख लेते हैं, बारहवा हमारा द जैक, जैक वेंट अप द हिल, तो ही साय पाइथन, तो इसमें कर दो गोइंग, गोइंग अप द हिल, गोइंग माने जाकर, अप द हिल माने पहाड़ी के ऊपर, गोइंग अप द हिल, उसके बाद कामा कर दो। कामा के बाद जो है यहाँ जो ही है ना, ही काट दो, ही की जगह लिख दो जैक, क्योंकि प्रोनाउन की जगह नाउन हो जाता है अगर पहले वाक्य में नाउन है तो, क्लियर, कि पहली बार नाउन लिखना चाहिए। तो गोइंग अप द हिल जैक सा ए पाइथन। तो तेरहवा देखते हैं, द पुअर मैन वर्कड ही लाफ्ड ही दस स्पेंट हिज लाइफ, द पुअर मैन वर्कड, ठीक है। अब इसको ऐसे कर दो, काम किया वह मुस्कुराया, वह इस प्रकार अपना जीवन बिताया। हम यही कहेंगे काम करके और मुस्कुरा करके गरीब आदमी ने अपना जीवन बिताया, क्लियर। यह ऐसे भी कह सकते हो कि काम करते हुए और मुस्कुराते हुए गरीब आदमी ने अपना जीवन बिताया, क्लियर, ऐसे ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से कर सकते हो इसको, हैविंग वर्कड एंड लाफ्ड। एक ध्यान देना, दो बार हैविंग नहीं लगेगा, हैविंग वर्कड एंड लाफ्ड, काम करके और मुस्कुरा करके, उसके बाद ही जगह लिखो द पुअर मैन, द पुअर मैन, उसके बाद यहाँ दस हटा दो, स्पेंट हिज लाइफ कर दो, क्लियर। हैविंग वर्कड एंड लाफ्ड, काम करके और मुस्कुरा करके, द पुअर मैन स्पेंट हिज लाइफ, गरीब आदमी ने अपना जीवन बिताया, ठीक ना। चलिए देखिए, आई वॉज लव वर्किंग इन द फील्ड, मैं खेत में काम कर रहा था, आई साय स्नेक, मैं सांप देखा, मैं भाग गया, आई रैन अवे। तो ऐसा कर दो, इसमें देखिए पहला कार्य जारी है तो भाई काम कर रहा है तो सांप तो देखने गए नहीं, लेकिन देख ही गए, दिख ही गया, तो वाइल लगाओगे काम, खेत में काम करते समय या करते करते, तो उसमें वाइल लगता है। ऐसे कर दो, वाइल वॉकिंग, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में जारी है ना, इसके दौरान हो रहा है तो इसलिए वाइल लगा दो, वाइल वॉकिंग इन द फील्ड, क्लियर, वाइल वॉकिंग इन द फील्ड, ठीक, खेत में काम करते समय, एंड सीइंग द स्नेक, और सांप देखकर, क्लियर क्लियर, एंड सीइंग ए स्नेक, वाइल वॉकिंग इन द फील्ड सीइंग ए स्नेक, सीइंग ए स्नेक, यस एन ए के ई, कामा आई रैन अवे। वाइल वॉकिंग इन द फील्ड, वैसे एंड से जोड़ सकते हो एक फ्रेज, एंड सीइंग ए स्नेक, नहीं जोड़ना चाहो तो आप एंड ही हटा दो, कामा कर दो, तब भी चल जाएगा। वाइल वॉकिंग इन द फील्ड कामा सीइंग ए स्नेक, क्लियर, खेत में काम करते समय एक सांप देखकर, आई रैन अवे, मैं क्या किया भाग गया, ये भी सही है, ठीक ना। तो एंड सीइंग ए स्नेक भी कर सकते हो, कामा करके आई रैन अवे, या यहाँ भी कामा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेन ही बिगन टू वीप, तो आप बच्चा अपना पेन खो दिया, वह रोने लगा, क्लियर। ऐसे कर दो, हैविंग लॉस्ट हिज पेन, अपने पेन खो करके, कामा कर दो, ही जगह लिख दो द चाइल्ड बिगन टू वीप, अपनी कलम खो करके बच्चा क्या करने लगा, रोने लगा।
हैविंग लॉस्ट हिज पेन कामा द चाइल्ड बिगन टू वीप। चलिए आगे देखते हैं। सोलहवां है ही वॉज डिस्गाइज्ड एज ए सेंट ही एस्केप्ड टू नेपाल। क्लियर, तो इसमें कर दो ही वॉज के जगह बींग कर दो, बींग डिस्गाइज्ड एज ए सेंट। डिस्गाइज माने होता है वेष बदलना, सेंट माने साधु, वह एक साधु का वेष बदल करके, ठीक है, ही एस्केप्ड टू नेपाल, वह नेपाल बस निकला। बींग डिस्गाइज्ड एज ए सेंट, एक सेंट के रूप में डिस्गाइज्ड होकर के, बींग भी सोना, ही एस्केप्ड टू नेपाल, वह नेपाल के लिए बच निकला। क्लियर, डिस्केप मतलब बच निकलना है, भाग जाना। बींग डिस्गाइज्ड एज ए सेंट ही एस्केप्ड टू नेपाल, इसका आंसर हो जाएगा, सेंट के बाद काम लगा देना। चलिए सत्रहवां देखते हैं। टर्न टू द राइट यू विल देन फाइंड द हाउस, ऐसे कर दो, टर्न में आईएनजी लगा दो, टर्निंग, टर्निंग टू द राइट कामा यू विल देन हटा दो, फाइंड द हाउस हो जाएगा। टर्निंग टू द राइट यू विल फाइंड द हाउस मतलब दाएं मुड़ने मुड़कर तुम घर क्या करोगे, पा जाओगे, तब हट जाएगा, क्योंकि वो समय की बात किया जा रहा है, सिंपल में जोड़ोगे तो हट जाएगा। क्लियर, हिंदी में नहीं आएगा। टर्निंग टू द राइट कामा यू विल फाइंड द हाउस। चलिए अठारह देखते हैं। द मैजिशियन टुक द पिटी ऑन द माउट, जादूगर ने चूहे पर क्या दया दिखाया, ही टर्न्ड इट इनटू अ कैट, वैसे बिल्ली बना दिया, तो हो जाएगा टुक का टेकिंग कर दो, ऐसे कर दो, द मैजिशियन टुक हटा के टेकिंग कर दो, टेकिंग पिटी ऑन द माउस, अब ही जो नहीं है, ही की जगह आप क्या कर दो, ये द मैजिशियन ला के कर दो, द मैजिशियन, ठीक है। तो पहले क्या आपको करना था, टेकिंग करना था, ठीक ना, टेकिंग पिटी ऑन द माउस, द मैजिशियन टर्न्ड, ठीक है ना, मैजिशियन के बाद टर्न्ड इट इनटू ए कैट, चूहे पर दया करके, चूहे पर दया करके, या तरस खाकर, टेक पिटी मैंने दया खाना करना है, तरस खाना, चूहे पर तरस खाकर जादूगर ने उसे बिल्ली में बना दिया। क्लियर, कोई चूहा था, बिल्ली थी, ठीक ना, तो बिल्ली जान रही उसको खा लेगी, तो उसको जादू से बिल्ली बना दिया ताकि वो उसको खाए ना, तो उसकी जान इस तरह से बचा दिया। चलिए आगे देखते हैं। शी वॉज टायर्ड ऑफ रीडिंग, शी ले डाउन इन बेड, वह पढ़ते पढ़ते थक गई थी, वह बिस्तर पे लेट गई, तो ऐसे कर दो, शी वॉज की जगह लिख दो बींग, बींग टायर्ड ऑफ रीडिंग कामा शी ले डाउन इन बेड, सब कुछ वही रहेगा अगला वाक्य, ठीक है, बींग टायर्ड ऑफ रीडिंग पढ़ते पढ़ते थकी होने के नाते, या पढ़ते पढ़ते थकी होकर सी ले डाउन, यार मतलब इसमें कुछ करना नहीं, सी वाज की जगह बींग करना है, सी वाज की जगह क्या करना है, बींग करना है, टायर्ड ऑफ रीडिंग वैसे ही रहेगा, फिर कामा लगाना, सी से अगला वाक्य क्या करना है, जोड़ देना है। चले बीसवां देखते हैं। ही जंप्ड अप फिर एन, वह कूदा वह भाग गया, तो इसको कर दो जंपिंग अप, जंपिंग अप माने कूद कर, कामा ही रैन अवे वह भाग गया। चलिए आगे देखते हैं। ब्रजेश लॉस्ट हिज गन, रेज्ड हिज गन, सॉरी अगला वाक्य हम पढ़ दिए, ब्रजेश लॉस्ट हिज बुक, ब्रजेश अपनी किताब खोया, ही सर्च फॉर इट, वह इसके लिए तलाश किया, तो इसको ऐसे कर दो, ब्रजेश सर्च फॉर इट की जगह लिख दो, पहले दूसरे वाक्य से पहले बनाओगे ही की जगह ब्रजेश लिखो, ब्रजेश सर्च फॉर, ठीक है, ब्रजेश सर्च फॉर हिज लॉस्ट बुक, ऐसे कर दो, सर्च फॉर हिज लॉस्ट बुक, ये ऐसे बनेगा, ब्रजेश ने अपनी खोई हुई किताब को क्या किया, खोजा, ब्रजेश सर्च फॉर हिज लॉस्ट बुक, इसका ऐसे वाक्य बनेगा, ब्रजेश सर्च फॉर हिज लॉस्ट बुक। बाईसवां वाक्य देख लो, इसमें भी तीन वाक्य हैं, तो इसमें हैविंग से बना दो, ऐसे कर दो, हैविंग रेज्ड हिज गन, हैविंग रेज्ड हिज गन, उसके बाद कर दो यहाँ फिर ही टू हटा के एंड टेकन एम कर दो, एंड टेकन एम, फिर कामा कर दो, ही शूट द टाइगर, हैविंग रेज्ड हिज गन एंड टेकन एम ही शूट द टाइगर, ठीक ना, क्या करोगे, हैविंग रेज्ड हिज गन, अपनी बंदूक उठा करके, हैविंग हाँ रेज्ड हिज गन, अपनी बंदूक उठा करके, एंड टेकन एम, दूसरा वाला फ्रेज एंड से जोड़ दो, एंड टेकन एम, और निशाना लगा करके, उसके बाद कामा कर दो, लास्ट वाक्य वैसे जोड़ दो, ही शॉट द टाइगर, वह टाइगर को क्या किया, गोली मार दिया, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, रेजिंग हिज गन एंड टेकिंग एम,
ही शॉट द टाइगर, प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? बंदूक उठा करके या उठा करके, दोनों काम सही है। क्लियर? निशाना ज़्यादा देर तक लगेगा तो हैविंग से बनेगा, तुरंत उठाया तुरंत लगाया मार दिया तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी बनेगा, कंडीशन दोनों इसमें सही है। क्लियर? तो हैविंग से वैसे ज़्यादा बेटर पड़ेगा, नहीं तो गलत आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी नहीं होगा। ही ड्रिव हिज सॉर्ड ही अटैक द हिज एनिमी, तो इसमें कह दो ड्राविंग, ड्रिव का आई एन जी फॉर्म कर दो, डी आर ए डब्ल्यू आई एन जी, ड्राविंग कर दो, ही ड्रिव जगह ड्राविंग कर दो, ड्राविंग हिज सॉर्ड कामा कर दो, ही अटैक हिज एनिमी, बस हो गया। अपनी तलवार खींच कर वह रमिश खींचना, खींच कर निकालना, ही अटैक द हिज एनिमी, अपने एनिमी पर अटैक कर दिया। चलिए अगला देखते हैं, 24वां वाक्य देखते हैं। शीला विटनेस द शो, विटनेस मैंने यहाँ देखना होगा, शीला ने शो देखा, सी विटनेस थ्री डॉल्स, उसमें उसने तीन गुड़िया देखा, द डॉल्स वर टॉकिंग इन ए स्ट्रेंज नॉइज, गुड़िया जो है विचित्र भाषा में बात कर रहे थे, लैंग्वेज में। तो यस करो, तो शीला विटनेस्ड ठीक थ्री डॉल्स शो, अब यहाँ थ्री डॉल्स दूसरे वाक्य से उठा के शो से पहले कर दो, शीला विटनेस्ड द थ्री डॉल्स शो, क्लियर, द थ्री डॉल्स शो, शीला ने जो है तीन गुड़िया वाला शो देखा। उसके बाद अगले वाक्य से केवल आपको यहाँ शो के बाद कामा लगा देना, फिर टॉकिंग इन ए स्ट्रेंज नॉइज इसको जोड़ देना है, शीला विचित्र भाषा में बात करती हुई तीन गुड़िया का शो देखा, इसका अर्थ ही होगा। क्लियर? शीला सा थ्री डॉल्स शो टॉकिंग इन ए स्ट्रेंज नॉइज। क्लियर? चलिए लास्ट देख लेते हैं, क्योंकि अंत वाला तो सब वाला, अंत वाला भी देखते। ए फनी फॉक्स, एक फनी माने विचित्र, विचित्र लोमड़ी ने सा सम ग्रेप्स, कुछ अंगूर देखा, दे वेर हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन, वे एक लता से लटके हुए थे, तो हो जाएगा ए फनी फॉक्स सा सम ग्रेप्स, इतना पूरा लिख लो, उसके बाद दे वेर हटा दो, हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन जोड़ दो। क्लियर? तो हो जाएगा फनी फॉक्स ने लता से लटका हुआ कुछ अंगूर देखा, ए फनी फॉक्स सा सम ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन। इस तरह से 25 एक्सरसाइज हो गई पूरी, आई होप आप लोगों को समझ में पूरा आ गया है। ठीक, कैसा कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जो है आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि देख सकें, क्योंकि एक्सीलेंट की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इससे बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।